जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। JBT वालों के साथ हरियाणा सरकार ने की है बड़ी लापरवाही। क्या लापरवाही हुई है समझ जानकारी देंगे, ये देखिएगा। आज आरोप, विद्यार्थियों का भविष्य अधर में। हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग बोर्ड जो है भिवानी है वो DLED यानी JBT की परीक्षाएँ आयोजित कराना ही भूल गई। इसकी वजह से न केवल प्रदेश के लगभग 20,000 से अधिक छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया, पिछले दिनों केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इस बात को लेकर प्रदेश भर के DLED कॉलेज छात्र छात्राओं और अभिभावकों द्वारा वर्तमान प्रदेश सरकार की लापरवाही और हरियाणा एजुकेशन बोर्ड की कार्यशैली के प्रति गहरा रोष जताया जा रहा है। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा BEd व MEd की परीक्षाएं जो आयोजित करवा दी गई है और UG PG की परीक्षाएं भी संपन्न हो चुकी है, लेकिन JBT की प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं के लिए अभी तक हरियाणा एजुकेशन बोर्ड भिवानी व हरियाणा सरकार ने कोई जानकारी अथवा डेट शीट भी जारी नहीं की है। तो कहीं ना कहीं JBT वाले जो कैंडिडेट हैं 20,000 से ज़्यादा जो प्राइवेट कॉलेजों में कर रहे हैं, उनको डर भी है कि कहीं भविष्य अधर में न चला गया हो, एक साल ज़्यादा उन्हें न करनी पड़ जाए। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग की तरफ से DLED यानी JBT वालों के अकॉर्डिंग की गई है। एक तो भर्ती नहीं हो रही है, ऊपर से अब कोर्स पर भी शिक्षा विभाग मार खा रहा है। तो आपको हम जानकारी देते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।